नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बहुत ही खास है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बाद में बोल भी पाएंगे। दोस्तों, हम इतने दिनों से छोटे छोटे वाक्य ही सीखे हैं, इसीलिए आज मैंने थोड़ा अलग किया है, जो कि ये जो वाक्य है ना दोस्तों, हम अपने घरों में क्या दोस्तों, बाहर में भी इन वाक्यों का उपयोग करते हैं। जो जो लोग आंध्र प्रदेश में हैं, उन लोग कैसे इन वाक्यों का उपयोग करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही सामान्य है, बहुत ही जरूरी वाक्य है दोस्तों, जो कि हम इन वाक्यों का प्रयोग करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो वाक्य क्या क्या है उसे हम फटाफट सीख लेते हैं। अपने माथे पर बिंदी लगाइए, अपने माथे पर बिंदी लगाइए। माथा, माथा मतलब इसे हम नुदुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नुदुरु, माथा। अपने माथे पर मी नुदुरु मीदा। बोट्टू, पेट्टुकोंडी। बोट्टू, पेट्टुकोंडी या पेट्टंडी। मीरु, मी नुदुरु मीदा बोट्टू पेट्टंडी। बोट्टू मतलब जो बिंदी होता है ना दोस्तों, हम कौन कौन इसको टिकली भी बोलते हैं, कहाँ कहाँ पर टिकली बोलते हैं, बिंदी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बिंदी ही बोलते हैं। अपने माथे पर बिंदी लगाइए, मी नुदुरु मीदा बोट्टू पेट्टंडी। आप, मीरु। अपने माथे पर मी नुदुरु मीदा बिंदी लगाइए, बिंदी लगाइए बोट्टू पेट्टंडी या बोट्टू पेट्टुकोंडी, ऐसे भी बोल सकते हैं। मीरु, मी नुदुरु मीदा बोट्टू पेट्टुकोंडी। दोस्तों, जो औरतें अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं, अगर वो भूल जाती हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं, आप अपने माथे पर सिंदूर लगाइए, आप अपने माथे पर सिंदूर लगाइए। दोस्तों, हमारे आंध्र प्रदेश में जो महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो अपने सुहाग के लिए ना सिंदूर ही लगाती हैं दोस्तों, पर कहीं कहीं पर बिंदी भी लगाते हैं, परंतु ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं। उसी लिए अगर कोई भूल जाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं, आप अपने माथे पर सिंदूर लगाइए, आप अपने माथे पर सिंदूर लगाइए। इस वाक्य को हम कैसे बोलेंगे? हम प्यार से बोलेंगे, मेरु मी नुदुरु मीदा कुंकुम पेट्टंडी या पेट्टुकोंडी। मेरु मी नुदुरु मीदा कुंकुम पेट्टुकोंडी। आप, मेरु मी नुदुरु मीदा अपने माथे पर, ये जो माथा होता है ना दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, ये होता है माथा। माथे पर नुदुरु मीदा कुंकुम सिंदूर लगाइए, पेट्टंडी। మీరు మీ నుదురు మీద కుంకుమ పెట్టండి। दोस्तों, कहीं कहीं घरों में ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे हो या बड़े आदमी भी हो, बड़े लोग भी हो, मम्मी पापा हो, चाचा हो, भैया हो, क्या करते हैं, बस एक ही टी शर्ट को हमेशा पहनते रहते हैं। घर में जब तक रहते हैं ना, वो लोग टी शर्ट को पहनते रहते हैं, खोलते नहीं है। उस समय उस घर की महिलाएं तो बहुत तंग आ जाती हैं, तो क्या बोलते हैं, अपने टी शर्ट के बदले शर्ट पहन लीजिए, अपने टी शर्ट के बदले शर्ट पहन लीजिए। मी टी शर्ट बदलूगा शर्ट वेस्कोंडी या तोड़कोंडी। मीरु मी टी शर्ट बदलूगा शर्ट वेस्कोंडी। दोस्तों, ये शर्ट जो शब्द होता है, ये तो अंग्रेजी शब्द है दोस्तों, इसको हम तेलुगु में बोलते हैं चौका। क्या बोलते हैं? चौका। और जो पैंट होता है, जो फुल पैंट होता है, उसे हम बोलते हैं पैंटू। क्या बोलते हैं? पैंटू। पर हमारे वाक्य में क्या है? शर्टू। दोस्तों, अगर आपको चौका बोले नहीं आता है तो आप शर्टू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शर्टू। आप टी शर्ट के बदले शर्ट पहन लीजिए, मेरु टी शर्ट बदलूगा शर्टू तोड़कोंडी। आप, मेरु टी शर्ट के बदले टी शर्ट बदलूगा शर्ट या चौका पहन लीजिए, तोड़कोंडी। मेरु टी शर्ट बदलूगा चौका या शर्टू तोड़कोंडी। दोस्तों, कई घरों में क्या होता है दोस्तों, घरों में क्या दोस्तों, स्कूल में भी जो बच्चे बहुत चिल्लाते रहते हैं, तो स्कूल के जो मास्टर होते हैं, अगर घर में कोई बच्चे चिल्लाते रहते हैं तो माता पिता होते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर जोर से मत चिल्लाओ, चुपचाप से बैठो। क्या बोलते हैं? जोर जोर से मत चिल्लाओ, चुपचाप बैठो।
गट्टी गट्टी गा अरवकु माटाड़कोंडा कूर्चो, क्या बोलते हैं, गट्टी गट्टी गा अरवकु जोर जोर से गट्टी गट्टी गा मत चिल्लाओ, अरवकु या अरवद्दु, चुपचाप बैठो माटाड़कोंडा कूर्चो, जोर जोर से गट्टी गट्टी गा मत चिल्लाओ, अरवकु चिल्लाना अरवटम, क्या बोलते हैं दोस्तों, अरवटम, नहीं चिल्लाओ बोलने से अरवकु बोल सकते हैं, अगर मत चिल्लाओ बोलेंगे तो हम बोलेंगे अरवद्दु, क्या बोलेंगे, अरवद्दु, मीरु गट्टी गट्टिगा अरवद्दु, माटलाड़कोंडा कूर्चोंडी, जोर जोर से मत चिल्लाइए, चुपचाप बैठिए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अच्छी बातों को सुनो, गंदी बातों को मत सुनो, अच्छी बातों को सुनो, गंदी बातों को मत सुनो, अच्छी बातें, दोस्तों हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े भी हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी बातें, अच्छी बातें मतलब मंची माटलू, क्या, अच्छी मंची बातें माटलू, अगर एक ही शब्द या एक ही बात के लिए बोला गया है माटा, क्या बोलेंगे, मंची माटा, पर हम बोल रहे हैं मंची माटलू। अच्छी बातों को सुनो, गंदी बातों को मत सुनो, मंची माटलनु विनु, क्या कहा दोस्तों, मंची माटलनु विनु, गंदी बातों को मत सुनो, तप्पुड़ माटलनु विनद्दु, तप्पुड़ माटलनु विनद्दु या विनवद्दु, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छी बातों को मंची माटलनि सुनो विनु, गंदी बातों को तप्पुड़ माटलनि मत सुनो विनद्दु। दोस्तों ये जो वाक्य होता है, हम अपने घरों में जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जो बच्चे होते हैं, मोरल हो मतलब ये सब बताते रहते हैं कि हमें अच्छा आदमी बनना है ना, तो हम लोग को अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से हम बोलते हैं। इसीलिए ये वाक्य को मैंने कहा है, जो लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं उन लोग इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्कूलों में जो बाहर से आए रहते हैं ना शिक्षक, उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, उसीलिए मैंने ये वाक्य बनाया है, क्योंकि बीच बीच में मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसका अर्थ क्या होता है सर, इसका अर्थ क्या होता है, इसीलिए मैंने जोड़ जोड़ के आज उसी के बारे में वीडियो बनाया है। मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, मेरे हाथों पर ना चेतुल की या ना चेतुलकु, मेहंदी गोरिंटाकु, जो मेहंदी होता है ना दोस्तों, जो पत्ते होते हैं उसको बांटते हैं, उसमें इमली क्या क्या डाल के उन लोग पेस्ट बनाते हैं वो दोस्तों, उसको हम बोलते हैं गोरिंटाकु। आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। परंतु कोई कोई कोन भी लगाते हैं दोस्तों, उसको भी हम गोरिंटा को ही बोलते हैं, और कहीं कहीं पर हमारे जो आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं कहां कहां पर हम कोन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोन, परंतु जो मेहंदी होता है उसे हम गोरिंटा को ही बोलते हैं। मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, नाचेतुल की गोरिंटा को पेट्टू, नाचेतुल की गोरिंटा को पेट्टू, मेरे हाथों पर ना चेतुल की या ना चेतुल मीदा, ना चेतुल मीदा, मेरे हाथों पर, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। मेहंदी लगा दो गोरिंटा को पेट्टू, ना चेतुल की गोरिंटा को पेट्टू, गोरिंटा को का अर्थ क्या है दोस्तों, मेहंदी, गोरिंटा को मतलब मेहंदी, मेरे हाथों पर ना चेतुल मीदा गोरिंटा को मेहंदी लगा दो पेट्टू, ना चेतुल मीद गोरिंटाको पेट्टू, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, ना काल की मुल्लू गुच्चुकुपोयिंदी, मेरे पैर में ना काल की कांटा मुल्लू गुच्चुकुपोयिंदी, चुभ गया है ना काल की मुल्लू गुच्चुकुपोयिंदी। दोस्तों यहाँ पे मैंने कांटा कहा है दोस्तों, कांटा को हम तेलुगु में बोलते हैं मुल्लू, क्या बोलते हैं, मुल्लू, अगर एक कांटा से ज्यादा होता है मतलब बहुवचन में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे मुल्लू, मुल्लू, क्या बोलेंगे, मुल्लू, मुल्लू होता है एकवचन और मुल्लू होता है बहुवचन। ठंड से मेरा शरीर अकड़ गया है, ठंड से मेरा शरीर अकड़ गया है, चल की या
चली वल्ला ऐसे भी बोल सकते हैं, चली की या चली वल्ला। ना वल्लु बिगुसुकु पोइंदी, बिगुसुकु पोइंदी, चली की या चली वल्ला ना वल्लु बिगुसुकु पोइंदी। चली की या चली वल्ला मतलब ठंड के लिए या ठंड से, इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं। मेरा शरीर, मेरा शरीर, दोस्तों हम शरीर को शरीरम भी बोलते हैं और वल्लू भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? शरीरम भी बोलते हैं, वल्लू भी बोलते हैं। ज्यादा ठंड से मेरा शरीर दर्द हो रहा है, ज्यादा ठंड से मेरा शरीर दर्द हो रहा है। एक्वा चली वल्ला ना वल्लु नोप्पिलुगा उन्नाई, एक्वा चली वल्ला ना वल्लु नोप्पिलुगा उन्नाई। दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम शरीर शब्द होता है, इसे हम शरीरम भी बोलते हैं और वल्लू भी बोलते हैं। इसीलिए आप जानेंगे बोलकर एक वाक्य में शरीरम भी बोला हूँ और अभी आपको मैं वल्लू भी बोल रहा हूँ। एक्वा चली वल्ला ना वल्लु नोप्पिलुगा उन्नाई, एक्वा चली वल्ला ना वल्लु नोप्पिलुगा उन्नाई। एक्कुगा ज्यादा ठंड से चली वल्ला ना वल्लु मेरा शरीर, ना वल्लु मेरा शरीर दर्द हो रहा है, नोप्पिलुगा उन्नाई। एक्कुगा चली वल्ला ना वल्लु नोप्पिलुगा उन्नाई। मेरे मोबाइल को बार बार मत छुओ, मेरे मोबाइल को बार बार मत छुओ। ना मोबाइल नु अस्तमानु मुट्टुकोवद्दु, ना मोबाइल नु अस्तमानु मुट्टुकोवद्दु। मेरे मोबाइल को ना मोबाइल नु बार बार अस्तमानु मत छुओ, मुट्टुकोवद्दु। ना मोबाइल नु अस्तमानु मुट्टुकोवद्दु। पुराने चप्पलों को फेंक कर नए चप्पल पहनो, पुराने चप्पलों को फेंक कर नए चप्पल पहनो। पात चप्पुलनु विसरी वेसी कोत्त चप्पुलु वेसुको, पात चप्पुलनु विसरी वेसी कोत्त चप्पुलु वेसुको या तोड़ुको। पहनना जो शब्द होता है ना दोस्तों, हम तोड़ुको तोड़ुको ऐसे ही यूज करते हैं। पात चप्पुलनु विसरी वेसी कोत्त चप्पुलु तोड़ुको। पुराने चप्पलों को पात चप्पुलनु, अगर हम एक चप्पल के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे चप्पू, अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं चप्पलू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चप्पलू। और मैंने यहाँ पे क्या कहा है? पुराने चप्पलों को पात चप्पलनु फेंक कर विसरी वेसी नई चप्पल पहनो, नए कोत्ता, नए मतलब कोत्ता चप्पलनु चप्पलों को पहनो तोड़ुगु। पात चप्पलनु विसरी वेसी కొత్త చెప్పులు తొడుగు। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपके पास जूते होंगे, आपको भी यही सेंटेंस जानना है तो हम तेलुगु में जूतों को क्या बोलते हैं, आप इस प्रकार इस वाक्य को उपयोग में भी ला सकते हैं। अगर कोई पुराने जूतों को बार बार पहनते रहता है, आपको बुरा लगता है, तब बोल सकते हैं पुराने जूतों को फेंक कर नए जूते पहनो। क्या कहा दोस्तों? पुराने जूतों को फेंक कर नए जूते पहनो। पात बूटलनु విసిరి వేసి కొత్త బూట్లు తొడుగు, పాత బూట్లను విసిరి వేసి కొత్త బూట్లను తొడుగు, పాత బూట్లను విసిరి వేసి కొత్త బూట్లను తొడుగు। పురానే జూతోకు పాత బూట్లను ఫేకర్ విసిరి వేసి కొత్త బూట్లను, కొత్త బూట్లను మతలబ్ నే జూతోకు పెహను తొడుగు, పాత బూట్లను విసిరి వేసి కొత్త బూట్లను తొడుగు। కమరే కే అందర్ ఇత్నా హల్లా మత్ కరో, కమరే కే అందర్ ఇత్నా హల్లా మత్ కరో। గది లోపల ఇంత గోల చెయ్యకండి, గది లోపల ఇంత గోల చెయ్యకండి। గది లోపల కమరే కే అందర్ ఇత్నా ఇంత హల్లా గోల, हल्ला गोला मत करो, चेयत्तु या चेयकंडी। गदी लोपला इंत गोला चेयकंडी। दोस्तों मैंने यहाँ पे
गदी लौपला मतलब कमरे के अंदर बताया दोस्तों। मान लीजिए घर के अंदर कहीं पर भी बच्चे चिल्लाते रहेंगे तो क्या बोलेंगे, घर के अंदर इतना हल्ला मत करो। क्या कहा दोस्तों, घर के अंदर इतना हल्ला मत करो। इंटी लौपला इंता गोला चेयकंडी, इंटी लौपला इंता गोला चेयकंडी या चेयद्दु ऐसे भी बोल सकते हैं। परेशान हो जाते हैं ना तभी बोलते हैं मत करो, चेयद्दु नहीं करो, चेयकंडी इस प्रकार से। इंटी लौपला इंता गोला चेयकंडी, पेड़ की डाली पर मत बैठो गिर जाओगे, पेड़ की डाली पर मत बैठो गिर जाओगे। चट्टु कोम्म मीद कूर्चोकंडी पड़िपोतारु, चट्टु कोम्म मीद कूर्चोकंडी पड़िपोतारु। पेड़ की डाली पर पेड़ मतलब चट्टु की डाली पर, कोम्म मीद पेड़ की डाली पर चट्टु कोम्म मीद मत बैठो, कूर्चोवद्दु या कूर्चोकंडी गिर जाओगे पड़िपोतारु, चेट्टु कोम्म मीद कूर्चोकंडी पड़िपोतारु। तो ठीक है दोस्तों, मुझे अभी आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए नए आए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप लोगों को नमस्कार।